जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी दूंगा। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। क्या सूर्य ग्रहण भारत में रहेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा? इस दिन सर्व पितृ अमावस्या भी है, तो पितरों का पूजन उस दिन करें या पहले दिन करें? किस प्रकार से पितरों का पूजन करना है? गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, अमावस्या का बड़ा महत्व होता है, उसमें भी पितरों की जो अमावस्या आती है उसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, गौग्रास निकालते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पितृ प्रसन्न होकर के उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं, अगर किसी पितृ की तिथि भूल जाए तो उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पहले स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी माता की पूजा करें, उसके बाद में घर में जैसे भी बस क्यों, जैसे 5 ब्राह्मण है या आप 7 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण जैसे बस क्यों, 2 ब्राह्मण कम से कम घर पर भोजन जरूर कराएं, उनको वस्त्र दें, दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। शाम के समय पितरों को विदा किया जाता है। इस दिन पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके जाते हैं। दोस्तों, अगर पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपके ऊपर से पितृ दोष खत्म हो जाएगा। पितृ दोष की वजह से कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, पितरों के नाम से जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। इस दिन पितृ प्रसन्न होकर के गए तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, साथ ही पितृ दोष भी शांत हो जाएगा। फिर शाम के समय पितरों के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, भगवान शिव के सामने चौराहे पर दीपक जलाएं, साथ ही घर के मेन दरवाजे पर थोड़ी दूर तक जल डालते हुए पितरों को विदा करना है, क्षमा याचना उनसे मांगे। 14 तारीख को ग्रहण भी पड़ना है, सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण बहुत लंबा चलने वाला है, 8:30 बजे रात के 8:32 से लेकर के 2:25 तक यह ग्रहण चलेगा। ग्रहण की जो घटना होती है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये क्यों पड़ते हैं? जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को मदरा पान। उस समय राहु छुपके से देवताओं के बीच में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। ये घटना सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को बता दी। इससे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का अंत कर दिया, लेकिन वो अमृत पी चुका था, इसलिए देह को केतु और सिर को राहु का रूप दिया गया। उसी समय से ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने वाला है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो भारत के अंदर नहीं है, यानी भारत के अंदर यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत से बाहर उत्तरी अमेरिका को छोड़ करके बाकी देशों में, बाकी स्थानों पर यह ग्रहण पड़ने वाला है, भारत में इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना होता है। अच्छा, इस ग्रहण पर कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं, जैसे मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है। ये राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं, इनका योग बहुत ही अच्छा है। जब भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे गर्भवती महिला अग्नि न जलाएं, साथ ही खाना ना खाएं, सोए नहीं, वस्त्र ना धोएं, नाखून आदि ना काटें, गेरू ला करके उसको पेट पर जरूर लगाना चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह ग्रहण बड़ा ग्रहण रहने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं है। तो सर्व पितृ अमावस्या है, उस दिन पितरों की पूजा आप जरूर करें, साथ ही आप दान पुण्य करें, दीप दान करें, इससे घर में धन बढ़ता है। रात को माता लक्ष्मी की पूजा करें, अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छे इस दिन योग बने हुए हैं और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके जाएंगे और ग्रहण का भारत के अंदर कोई विचार नहीं, लेकिन गर्भवती महिला फिर भी जो थोड़ा सा गेरू जरूर पेट पर लगाएं और ग्रहण काल में अग्नि वगैरह ना जलाएं, इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें।
मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अगर आपके मन